सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैशेषिक दर्शन की नवी कक्षा, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम वाणी का सातवां सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखा था। सातवें सूत्र की एक एक शब्द को, अर्थ को हमने देखा था, आगे भाष्य को देखेंगे। सूत्र कर्म को बताता है और कर्म के प्रकारों का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा कि ये कर्म कहते होते हैं उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और गमन। भाष्य में देखिए, उत्क्षेपण को ये खोल रहे हैं। उत्क्षेपणम क्रियायाः ऊर्ध्व प्रवृत्ति ही, क्रिया की ऊपर की ओर प्रवृत्ति, क्रिया का ऊपर की ओर होना, क्रिया हो रही है और क्रिया होते होते वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि रॉकेट ऊपर बढ़ता जा रहा हो। हमने फटाका, जो जहाज वगैरह होते हैं, वो कुछ भी फोड़ा वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्रिया की ऊर्ध्व प्रवृत्ति है। उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, यथा मुसलोत्थापनम, हम मुसल से पीसते हैं, कूटते हैं, तो मुसल को जब ऊपर उठाया और नीचे किया तो ये ऊपर उठाया, इसको कहते हैं यहाँ पर उत्क्षेपण, ऊपर की तरफ गया। दूसरा है अवक्षेपणम, उसके लिए कह रहे हैं क्रियाया अध प्रवृत्ति, उत्क्षेपण के विपरीत कहा, क्रिया की नीचे की ओर प्रवृत्ति, ऊपर से नीचे की तरफ आना। उदाहरण इसके लिए दिया, यथा मुसलादि कस्य अध पतनम, मुसल आदि का ऊपर से नीचे गिरना, पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना, बारिश का पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ये सारे के सारे अवक्षेपण के अंदर आए, उत्क्षेपण और अवक्षेपण। तीसरा है आकुंचनम, आकुंचन का मतलब है संकुचित होना, पास पास में आना, खोल रहे हैं उसको। समन्तात वेष्टनम, चारों ओर से वेष्टन, उसको निकट आना, चीजें बिखरी भी हैं उसको पास में लाए, उधर से भी इधर से भी पास में ला रहे हैं, तो इसको कहेंगे आकुंचनम। समन्तात वेष्टनम, इकट्ठा करना, इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा समूहनम, समूहन करना, समूह बनाना। मिट्टी या गेहूं बिखरे हुए हैं, हम कहते हैं इसको एक ढेरी बना दो, उसका समूह कर दिया हमने, इकट्ठा कर दिया, बहुत जन समूह इकट्ठा हो गया। जन समूह का मतलब है सब अपने अपने घरों में थे, अलग अलग थे, वो एक ही जगह पे आ गए, एक ही मैदान के अंदर आ गए, तो वो समूह कहलाता है। बिखरे हुए को पास में, तो ऐसे जिस भी क्रिया में पास में आते हैं उसको कहते हैं आकुंचनम, समूहनम। जैसे मैं हाथ का उदाहरण देता हूं, उंगलियों को हमने इकट्ठा मुट्ठी के रूप में लिया है, तो ये आकुंचन कहलाएगा। समूहनम को ही दूसरे शब्दों में आगे खोला सम्मूर्छनम, इसी बात को कहा, सम्मूर्छन मतलब एक जगह होना, इसी को आगे खोल दिया पिंडी भवनम, पिंड के रूप में आ जाना, जब मिट्टी बिखरी भी है इकट्ठा करके हमने पिंड बना दिया उसका। जैसे लड्डू बनाते हैं तो बूंदी इधर उधर बिखरी हुई रहती है, उसको इकट्ठा किया हमने, इकट्ठा करके और यूं दबा दिया और इकट्ठा हो गया, जो चूरमे का लड्डू, बूंदी का लड्डू बन गया, तो ये क्या हुआ, उसका पिंड बना दिया हमने। ये पिंड बनाना कैसे हुआ, आकुंचन के, वो एक एक कण, एक एक जो घटक है उसको पास में ला करके हमने यूं कर दिया, ये भी आकुंचन के अंतर्गत आएगा। यानी दूर जो चीज है फैली हुई उसका निकट आना, ये कहलाता है आकुंचन। इधर से भी इधर आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, यूं करके इकट्ठा हो रहा है, वस्त्र फैला हुआ है और हमने उसको इकट्ठा ला करके यूं कर दिया, ये आकुंचन। कपड़ा फैला हुआ है, सुखाया हुआ है, अब हम उसको समेट रहे हैं, तो ये क्रिया कौन सी कहला जाएगी,
आकुंचन पास में लेकर के इकट्ठा कर देना। आगे प्रसारणम मतलब फैलाना, पिंड से राशिर्वा विकीर्णी भवनम, पिंड हो या राशि हो, पिंड और राशि में क्या भेद है, पिंड में आपस में जुड़ाव रहता है, जैसे लड्डू हो पिंड बना हुआ है, और राशि का मतलब बिना जुड़े हुए, जैसे गेहूं का ढेर राशि, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, कण पास पास में तो हैं लेकिन चिपके हुए नहीं है, लड्डू में तो चिपके हुए रहते हैं, पत्थर में चिपके हुए रहते हैं इत्यादि। तो चाहे पिंड हो चाहे कोई राशि हो, उसका विकीर्णी भवन, विकीर्ण मतलब फैलना, अलग अलग हो जाना, ये प्रसारण में कहलाएगा। विकीर्णी भवनम विकीर्णीकरणम वा, विकीर्ण होना या विकीर्ण करना फैलाना, इसको कहते हैं प्रसारण। कपड़ा इकट्ठा है, अब हमारे को सुखाना है तो हम उसको फैला देते हैं, धूप में फैला देते हैं, तार पे फैला देते हैं, गेहूं को फैला देते हैं सुखाने के लिए, ये सब कहलाएगा प्रसारण। आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं ना, प्रसारण होता है। क्या प्रसारण होता है, किसी एक जगह से सब और इधर उधर जाता है, ये प्रसारण हुआ, निकट से इधर उधर जाना इसे प्रसारण क्रिया हो गई। आगे कहा गमनम गति कर्मा, गमन का मतलब गति क्रिया। नाना गतयो अनुक्ता सर्वाह क्रिया, विभिन्न प्रकार की गतियां। अब विभिन्न प्रकार की गतियों में तो शुरू में चार प्रकार की जो गतियां बता चुके हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रचार, ये भी तो गति ही है। अब यहां पर जो गति शब्द कहा गमनम, तो उसमें पिछली चारों भी ली जाए या नहीं ली जाए, इसलिए इन्होंने कहा नाना गतयो अनुक्ता सर्वाह क्रिया, जो पहले नहीं कही गई हैं वो क्रियाएं केवल। हम अगर सामान्य भाषा में यूं सीधे बोलें तो कर्म का मतलब गमन भी बोल सकते हैं, एक गमन में सब कुछ आ जाते हैं। उत्क्षेपण है, ये भी तो एक प्रकार का गमन है, अवक्षेपण है, ये भी आगमन है, आकुंचन में भी गमन है, इसमें भी गति हो रही है, और प्रसार में भी गति हो रही है, गति तो चारों जगह भी है। इन चारों जगह गति होते हुए भी, गमन होते हुए भी, अंत में एक गमन शब्द और लिख दिया, तो भले ही गमन में सारी क्रियाएं आ जाएंगी फिर भी यहां गमन शब्द पढ़ा गया, इसका मतलब क्या लेंगे, पहले जो चार चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी जो बची हैं उनका ही यहां पर गमन शब्द से ग्रहण होगा। यदि गमन शब्द से सबका ग्रहण हो गया होता, इनका अभिप्राय होता, तो पहले की चार शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी इनको, लेकिन इन्होंने चूंकि चार शब्द भी लिखे हैं इसलिए गमन का मतलब चार को छोड़ करके जो है वही लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा गति कर्म नाना गतयो अनुक्ता सर्वा क्रिया खलु गमन नामना विच्चेया, गमन नाम से जाननी चाहिए। कैसी, यथा उदाहरण दिया नर्तन नाचना, वो नाचना पूरा है उसमें तरह तरह से क्रियाएं हो रही हैं, उसको एक सामान्य गमन नाम दे दिया, उसमें केवल उत्क्षेपण नहीं है, केवल अवक्षेपण नहीं है, केवल आकुंचन नहीं है, केवल प्रसारण नहीं है, सब मिला जुला सा कुछ रूप है, उसको गमन नाम दे दिया। स्पंदन, स्पंदन मतलब यूं हिलना, तार कुछ चीजें हवा पत्ता हिल रहा है, यूं 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 हिल रहा है, कोई भी चीज जो हिल रही है लगातार, कपड़ा यूं यूं झंडा हमारा हिल रहा है यूं हवा से बार 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 बार, अब इसको कौन सी गति कहेंगे, अब उसको मिली जुली है वहां पर, इसको गमन नाम से कह दिया गया। प्रथम चार में जो भी नहीं आएगा उसको गमन कह देंगे, स्पंदन। परिभ्रमण, परिभ्रमण तो गोल घूमना, अब गोल घूमने में ना आकुंचन है ना प्रसार है ना उत्क्षेपण है ना अवक्षेपण है, घड़ी का बैल होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है, उसको कौन सा कहेंगे, उत्क्षेपण कह सकते हैं, अवक्षेपण भी नहीं कह सकते, ना आकुंचन ना प्रसारण कह सकते हैं, फिर क्या कहेंगे, उसको गमन में आएगा, परिभ्रमण बोलते हैं, भ्रमण कह लीजिए परिभ्रमण कह लीजिए, लेकिन यहां किसके अंदर आएगा, वो गमन के अंतर्गत आएगा परिभ्रमण। धावन दौड़ना, दौड़ना भी ऐसा ही है, प्रथम चार में किसी में नहीं आएगा, इसको गमन के अंदर लेंगे। और विरेचन आत्याह, विरेचन दस्त लग जाना, संस्कृत में विरेचन बोलते हैं, विरेचन दस्त लग गए किसी को हैं, विरेचन का मतलब, विरेचन के यूं तो कई अर्थ हो सकते हैं लेकिन यहां पर वैसे इसमें जो रेचन शब्द है ना, रेचन अंदर सांस लेते हैं
भार फेंकते हैं उसको भी रेचन बोलते हैं ना। रेचन का होता है रिचिर पृथक भावे, अलग हो जाना। अब हमारी छींक आई है तो भी एक तरह का रेचन है, श्वास को हमने बाहर फेंका तो वो रेचन है। रेचन तो हमारे शरीर में किसी एक जगह से वहां से अलग होना, इसको इन्होंने अलग नाम से विरेचन आदि जो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं उनको भी कर्माणी कर्म नामानी संति, कर्म के नाम कहलाते हैं। अब यहां पर गमन शब्द में हमने ये समझा कि शुरू के चार को छोड़ करके बाकी की गमन में आएंगी, यद्यपि सब आ सकती थी। इसको संस्कृत भाषा में हमने किस न्याय से जाना, ये कैसे समझा, इसके लिए बोलते हैं गो बलिवर्द न्याय। गो बलिवर्द न्याय क्या मतलब होता है? बलिवर्द कहते हैं बैल को, और गो किसे कहते हैं? हम सामान्यतः कहते हैं गाय को, लेकिन बैल या सांड वो भी तो गाय ही कहलाता है। पांच बैल हों, पांच गाय हों, हम क्या कहते हैं? कौन चल रहा है? गायें चल रही हैं। कितनी गायें हैं? कितनी गायें हैं? पांच। मिल करके कहा जाता है वहां पर। गाय से स्त्री गाय का भी ग्रहण होता है और पुम गाय गो का भी, दोनों का ग्रहण होता है। खेत में मान लो बहुत सारी गायें हैं और तो उसमें कुल संख्या जो गिनोगे उसमें बैल या सांड को मिला करके भी उसी में गिना जाता है। तो गाय में स्त्री गऊ और पुंग गऊ दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन बलिवर्द बैल में केवल पुंग गऊ का ही ग्रहण होता है। अगर किसी ने ये बोला गाय और बलिवर्द, गाय बैल, तो अब गाय शब्द से बैल का ग्रहण नहीं होगा। अकेला गाय शब्द बोलेंगे तो बैल का भी ग्रहण हो जाएगा। बोले कि कत्ल खानों में गायें कट रही हैं, गायों को बचाना चाहिए, तो किसको बचाएंगे? किसको बचाएंगे? दोनों को। तो गाय शब्द से बैल को क्यों ले लिया, सांड को क्यों ले लिया? बोले गाय को बचाना है, गाय हमारी माता है, गाय को बचाना है, लेकिन उसमें दोनों का ग्रहण होता है। तो जब गाय शब्द अकेला बोला जाता है तो उसमें पुंग और स्त्री गो दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन अगर यूं कहें कि गाय बैल कट रहे हैं तो अब गाय का मतलब बैल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बैल को अलग शब्द से बोल दिया गया है। ऐसे ही यहां पर है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन और प्रसार को अलग बोल दिया गया है, इसलिए गमन में उसको ग्रहण नहीं करेंगे। गमन शब्द को उनसे छोड़ की चीज में कहेंगे, इसको कहते हैं गोबलिवर्द न्याय। दिन कितने घंटे का होता है? एक तो है कि केवल 12 घंटा प्रकाश वाला, एक है 24 घंटे का। तो दिन शब्द से दिन और रात दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन अगर किसी ने दिन और रात शब्द दोनों लिखे हुए हों तो अब दिन शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? केवल सूरज वाला, प्रकाश वाला। अब उसमें रात का ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रात शब्द अलग से कह दी गई है। बस ऐसे ही यहां पर है कि चार को कथन कर दिया गया, उनका ग्रहण गमन में नहीं होगा जो कह दिया गया है गोबलिवर्द न्याय से। ये यहां पर कर्म को बताया। तो अभी पीछे इन्होंने 6 पदार्थ बताए, उसमें 9 द्रव्य बताए, और उन 9 द्रव्यों में भी 9 द्रव्यों के नाम बता दिए। अब पदार्थों में से द्रव्य गुण और कर्म को यहां पर इन्होंने बता दिया। 9 द्रव्य बता दिए, गुण बता दिए 24 या 17, और कर्म बता दिए 5। अब द्रव्य गुण और कर्म में साधर्म में क्या है वो बता रहे हैं। पीछे कहा था ना द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाणाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसम्। तो द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में क्या समानताएं हैं? अभी तो जो गणना की उसमें द्रव्य अलग गिनाए, गुण अलग गिनाए, कर्म अलग गिनाए, इनमें भिन्नता प्रतीत हो रही, इनमें समानताएं क्या हैं उसको बताने के लिए 8वां सूत्र है। भूमिका देखिए, द्रव्य गुण कर्माणि खलु अर्थाः, अल्पविराम। द्रव्य गुण कर्म है ये अर्थ कहलाते हैं। अल्पविराम लगा हुआ है क्या? ये अर्थ कहलाते हैं। यहां इस शास्त्र में
अर्थ शब्द से द्रव्य गुण कर्म इन तीन का ग्रहण किया जाता है। इसके लिए देखिए आठवें अध्याय के दूसरे आने का तीसरा सूत्र पृष्ठ संख्या 110, पृष्ठ संख्या 110 आठवें अध्याय के दूसरे आने का तीसरा सूत्र है। अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसो, अर्थ इति ये जो अर्थ ये जो शब्द है ये द्रव्य गुण और कर्म में प्रयुक्त होता है। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं और कर्म को भी अर्थ कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये पदार्थ शास्त्र है, पदार्थ विज्ञान बोला जाता है वैशेषिक को, इस तरह के नाम भी इससे संबंधित ग्रंथों के होते हैं। और पदार्थ कितने करे थे हमने, कितने पदार्थ माने थे, 6 पदार्थ माने थे। द्रव्य गुण कर्म के अतिरिक्त सामान्य विशेष और समवाय भी कहे गए थे वहां पर, लेकिन फिर भी इन 6 में 3 को अर्थ नाम से कहा गया है। अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु, एक पारिभाषिक हो गई। तो अब देखिए यहां वापस आ जाइए, आठवें सूत्र के प्रारंभ में जो लिखा है द्रव्य गुण कर्माणि खलु अर्थाः, इसका मतलब है ये द्रव्य गुण कर्म अर्थ कहलाते हैं। तद अवस्थिताः तत्संवेताः सामान्य विशेष समवाया, और तद अवस्थिता मतलब उनमें स्थित हैं, उनमें स्थित हैं किनमें, द्रव्य गुण और कर्म में। तद अवस्थिताः इसी को खोल दिया, तत्संवेता उससे समवेत है, उससे जुड़े हुए हैं, अन्वित हैं उनमें, कौन सामान्य विशेष समवायः, अल्प विराम लगा लो, ये 3 बचे हुए सामान्य विशेष और समवाय। अर्थात द्रव्य गुण और कर्म 3 अर्थ नाम से कहे जा रहे हैं और सामान्य विशेष समवाय इन तीनों में ही रहते हैं। सामान्य विशेष और समवाय इन तीनों में ही रहते हैं, इनके अंतर्गत ही रहते हैं, इनमें संवेत रहते हैं। सामान्य विशेष और समवाय को द्रव्य गुण कर्म से भिन्न कहीं नहीं देखा जा सकता। जब जब भी हम सामान्य विशेष समवाय का प्रयोग करेंगे वो द्रव्य गुण कर्म में ही करेंगे। समानता देखेंगे तो 2 द्रव्यों में, 2 गुणों में, 2 क्रियाओं में। द्रव्य गुण कर्म को हटा दीजिए, सामान्य को आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, ऐसे विशेष को भी नहीं बता पाएंगे। द्रव्य गुण कर्म हटा दीजिए, हम किसी द्रव्य को विशेष कह सकते हैं, किसी गुण को विशेष कह सकते हैं, किसी कर्म को विशेष कह सकते हैं। तो द्रव्य गुण कर्म तो हुए अर्थ, और उनमें स्थित, उनमें संवेद, सामान्य विशेष और समवाय होते हैं। आगे अर्थ शब्द वाच्यानाम द्रव्य गुण कर्मणाम तत्व ज्ञानाय तावत तेषाम साधर्म्यम उच्यते। तो अर्थ शब्द से जो वाच्य हैं, अर्थ शब्द से जिनको कहा जाता है, अर्थ ये जो शब्द है यह है वाचक, कहने वाला, और इनका वाच्य कौन है, द्रव्य गुण और कर्म, ये इसके वाच्य। जैसे तस्य वाचकः प्रणवः योग दर्शन में आया, ओम बोलेंगे, ओम है वाचक, और जो परमात्मा है सृष्टि का रचयिता पालक आदि वो है इसका अर्थ। तो अर्थ शब्द ले लिया यहां पर, वाचक है, और इसके वाच्य कौन से होंगे, इससे किनको कहा जाएगा, द्रव्य गुण और कर्म को। तो अर्थ शब्द से जो कहे जाते हैं ऐसे द्रव्य गुण कर्म, उनके तत्व ज्ञान के लिए तावत तेषाम साधर्म में मुच्यते, इनका साधर्म में आप कहा जा रहा है, समान धर्मता, इन तीनों में परस्पर क्या समानता है, क्योंकि साधर्म से तत्व ज्ञान कहा था, वैधर्म से तत्व ज्ञान कहा था, उसी शैली में यहां पर भूमिका बनाई। तो इनकी क्या समानता है, अब सूत्र में देखेंगे, 8वां सूत्र। सदा नित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषः। ये कुछ चीजें गिनाई गई हैं इति से पहले तक। पहला है सत, दूसरा है अनित्य, तीसरा है द्रव्यवत, चौथा है कार्य, पांचवां है कारण, छठा है सामान्य, सातवां है विशेष। ये जो 7 चीजें हैं ये द्रव्य गुण और कर्मों में अविशेष हैं। अविशेष है मतलब विशेष नहीं है, विशेष का विपरीत होता है सामान्य, तो अविशेष का मतलब है सामान्य। इस बारे में कोई अविशेष है, हम जितने भी बैठे हैं मनुष्य हैं उनके 2-2 आंखें हैं, बोले तो अविशेष है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, सभी के 2 आंखें हैं,
विशेषता किसी और चीज में कर सकते हैं जो भिन्नता है, आंख अच्छी हो बुरी हो तो हम कर सकते हैं, इसी तरह बाल का कर सकते हैं, किसी के बाल हैं किसी के नहीं हैं इत्यादि। लेकिन ये जो यहां सात चीजें गिनाई गई द्रव्य गुण कर्म में अविशेष है यानी सामान्य। अब इसको एक एक को भाष्य के अनुसार ही हम पढ़ते हैं। तो पहला है सत्। सत का मतलब है विद्यमानता। देखिए पहले भाष्य देखिए, द्रव्य गुण कर्मणाम, खोल दिया इसको, द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम खलु इन तीनों की परस्पर अविशेष समानो धर्म साधर्म्यम। इनमें अविशेष है यानी समान धर्म है, अर्थात इसी को ही साधर्म्य कहेंगे। साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम, समान धर्मता समानता के भाव को कहेंगे साधर्म्य। इन्होंने इनमें ये तो चीजें सब समान है। अब पहला सत ले लिया इन्होंने, सत को खोल दिया इन्होंने सत्ता, इसकी सत्ता है, भारत देश की सत्ता है, श्रीलंका देश की सत्ता है, राजस्थान की सत्ता है, अजमेर की सत्ता है, ऋषि उद्यान की सत्ता है, अनुसंधान भवन की सत्ता है, और हम जितने बैठे हमारी भी सत्ता है। सत्ता मतलब उसको आगे खोल दिया उन्होंने वर्तमानत्वम, वर्तमान में है, विद्यमानता, वर्तमानता का मतलब है विद्यमानता। भारत में किसकी सत्ता है, भारत में किसकी सत्ता है, किसकी, नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे वो एक सत्ता अलग शब्द उस तरह से प्रयोग होता है। लेकिन नहीं, हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं है, हम कह देते हैं ना हमारी तो यहां कोई सत्ता ही नहीं है, हमारी तो कोई विद्यमानता ही नहीं है। यानी कभी किसी को कोई नहीं पूछता हो ना, औरों की ही चलती हो, औरों की, भाई हमारी क्या सत्ता है, मतलब वहां तात्पर्य हमारा होना न होने के बराबर है। वैसे सत्ता सबकी है, सत्ता मत विद्यमानता हम हैं ना, तभी तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सत्ता है हम सबकी। हमें सत्ता का मतलब वो शासन वाली सत्ता नहीं है, एग्जिस्टेंस है, विद्यमानता है, ये सत्ता है। तो सत्ता द्रव्य की भी होती है, होती है ही नहीं द्रव्यों की सत्ता, गुणों की सत्ता होती है या नहीं, और कर्म की भी सत्ता होती है या नहीं, विद्यमानता होती है। द्रव्य गुण कर्म तीनों सत होते हैं, सत्ता वाले होते हैं, वर्तमान होते हैं। इसको देखिए और खोल रहे हैं, सत्ता वर्तमानत्वम, आगे स्वोपलब्धि काले विद्यमानत्वम, अपनी उपलब्धि के काल में उनकी विद्यमानता रहती है। उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, जब उनका ज्ञान हो रहा होता है हमें, उस समय उनकी विद्यमानता रहती है। उन जब जब वो अपने को उपलब्ध करा रहे हैं, जना रहे हैं, जता रहे हैं, तब तक उनकी सत्ता होती है। क्योंकि ऐसा क्यों कहना पड़ा इनको, क्योंकि कुछ चीजें नष्ट भी हो जाती हैं, जब नष्ट हो गई तो हम क्या कहेंगे, उनकी सत्ता मानेंगे, अब तो सत्ता नहीं है, हमारे जो पूर्वज थे वो आज जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, हमारी पीढ़ी के हों चाहे अपने भारत के जहाँ कहीं के भी हों, उनकी आज सत्ता नहीं है, तो क्या वो सत नहीं थे, नहीं, जब वो थे उस समय तो उनकी सत्ता थी, आज हम हैं हमारी सत्ता है, कुछ दशकों या वर्षों के बाद में 100 साल बाद में हमारी सत्ता नहीं रहेगी। तो जब तक है अपनी, हम अभी अपनी उपलब्धि को बता रहे हैं, अपनी का उपलब्धि का काल है, हम एक दूसरे को उपलब्ध कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जब कोई वस्तु अपनी उपलब्धि को बता रही है, उसका उपलब्धि का जो काल है उसमें उसकी विद्यमानता का होना, इसे सत्ता कहते हैं। अर्थात जन्म से पहले उसकी सत्ता नहीं थी और मृत्यु के बाद में उसकी सत्ता नहीं है उस वस्तु की, जब तक वो रहा तब तक उसकी सत्ता होगी, विद्यमानता रहेगी। तो ये सत्ता द्रव्य में भी होती है, गुण में भी होती है और कर्म में भी होती है। हम कहें कि कोई द्रव्य ऐसा है जिसकी सत्ता नहीं है, कोई द्रव्य ऐसा है जिसकी सत्ता नहीं है, बताइए क्या कोई ऐसा द्रव्य है जिसकी सत्ता नहीं है, उसकी भी सत्ता है,
उनमें रहते हैं, मान लो सामान्य विशेष समवाय द्रव्य गुण कर्म में रहते हैं, रहते हैं तो सत्ता हुई ना। आप रहना जब स्वीकार कर रहे हो कि वो रहते हैं, तो रहते हैं मतलब है, है मतलब विद्यमानता है, वर्तमानता है, यही तो सत्ता है। वो वहां रहते हैं, इनकी सत्ता है, ये मान लिया जाएगा। द्रव्य की सत्ता होती है जो अनित्य द्रव्य हैं, जो अब नहीं रहे, जो नहीं रहे उनकी सत्ता नहीं है अभी। इसलिए वर्तमान में जो जो हैं, जब जब उपलब्धि का काल है तब तब उसकी सत्ता मानी जाएगी। अच्छा, कोई गुण ऐसा बता सकते हैं जिसकी सत्ता नहीं हो? बोले आजकल दया तो रही ही नहीं। हम बोलते हैं ना, आजकल दया तो रही ही नहीं, आजकल ईमानदारी तो रही ही नहीं, तो हम उसकी सत्ता को मना कर रहे होते हैं। हालांकि तात्पर्य यह होता है कि कम रही है लोगों में, दया भाव तो समाप्ति हो गया, परोपकार तो समाप्ति हो गया, धार्मिकता तो समाप्ति हो गई है। और मान लो कोई गुण चला ही गया हो बिल्कुल, तो भी उसकी जिस समय था उस समय तो सत्ता थी। आज जितने भी गुण हैं उन सबकी सत्ता है। गुण जब जब होगा तब तक उसकी सत्ता तो होगी। अब कर्म को ले लीजिए, कर्म की भी सत्ता है। कब? जब वो कर्म हो रहा है तभी। मैं लेखनी से लिख रहा हूं तो लिखना रूप क्रिया की अभी सत्ता है। अब मैंने लिखना छोड़ दिया, तुम कहें कि कर्म की सत्ता है या नहीं है? भाई वैसे तो कुछ ना कुछ क्रिया दुनिया भर में हो ही रही है, हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी कुछ करते रहते हैं, लेटे हैं तो भी एक क्रिया है, बैठे हैं तो भी क्रिया, और हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा है। ये तो जगत है, जगत्याम जगत गतिशील है, कुछ ना कुछ क्रिया हर जगह हो रही है। यूं देखेंगे तो क्रिया की सत्ता सदा विद्यमान है, लेकिन किसी क्रिया विशेष को अगर हम ले लेंगे, ये भवन बना था, इसको भवन बनने, इसके इस भवन के बनने की क्रियाएं चल रही थी उस समय, अब ये भवन बन गया, इस भवन के बनने की क्रिया की अभी सत्ता है क्या? इसी भवन के बनने की, दूसरे भवन बन रहे हैं ठीक है, लेकिन इस भवन के बनने की सत्ता, क्रिया की सत्ता आज नहीं है, लेकिन जिस समय क्रिया हो रही थी उस समय तो सत्ता थी उसकी, निर्माण कार्य चल रहा था, उस क्रिया का अस्तित्व था, सत्ता थी। इस रूप में हमें देखना है, तो कर्म की भी सत्ता होती है, गुण की भी सत्ता होती है, और द्रव्य की, द्रव्य गुण कर्म तीनों की सत्ता होती है। जब ये अनित्य होते हैं तो अनित्य अवस्था में जब उत्पन्न हुए नष्ट हुए उस बीच में उनकी सत्ता होती है, उसके आगे और पीछे सत्ता नहीं होगी। जो नित्य द्रव्य हैं, नित्य गुण हैं, उनकी सत्ता सदा अनादिकाल से अनंत काल तक थी, सदा रहेगी। और अनित्य द्रव्यों की सत्ता उत्पन्न और नाश के बीच में जो काल है वहां तक उनकी सत्ता रहेगी। लेकिन सत्ता द्रव्य की भी होती है, गुण की भी होती है, और कर्म की भी होती है। तो ये जो सत है, सत्ता है, ये सामान्य है इन तीनों का, इन तीनों का साधर्म है सत। पहली बात तो इसके लिए इन्होंने कह दिया सत्ता वर्तमानत्वम सोपलब्धि काले विद्यमानत्वम। आगे कहा अनित्यम, सत अनित्यम, क्या खोल रहे हैं? अनित्यत्वम, अनित्य को खोल दिया अनित्यत्व, इसी को आगे खोल दिया विनाशित्वम, जिसका विनाश होता है। अनित्य का मतलब है जो सदा नहीं बना रहेगा, यानी कभी नष्ट हो जाएगा, ये विनाशित्व जिस जिस में है वो अनित्य कहलाएगा, विनाशित्वम। अभी प्रश्न आएगा कि ये साधर्म है, अनित्यता साधर्म में बताया जा रहा है, समान धर्मता अविशेषता बताई जा रही है, किन में? द्रव्य गुण और कर्म में। जब द्रव्य गुण और कर्म में अनित्यता बताई जा रही है, इसका मतलब है सब द्रव्यों में अनित्यता है, सब गुणों में अनित्यता है, और सब कर्मों में अनित्यता है, यही तो अर्थ आएगा। क्योंकि छांटा तो गया नहीं है कि कौन से द्रव्यों में अनित्यता है, अनित्यता को द्रव्य गुण कर्म तीनों में सामान्य बताया गया। तो प्रथम दृष्टिया हमारे मन में क्या आता है, इसका मतलब है प्रत्येक द्रव्य अनित्य है, प्रत्येक गुण अनित्य है, और प्रत्येक कर्म अनित्य, ये कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहां यह कहा जा रहा है कि अनित्य गुण द्रव्यों में भी रहता है, गुणों में भी रहता है, और कर्म में भी रहता है। किन द्रव्यों में रहता है यह अलग विचारने की बात है।
हर द्रव्य में अनित्यता रहती है ये नहीं तात्पर्य, क्योंकि नित्य द्रव्य भी है, परमात्मा नित्य द्रव्य है, परमात्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है, आत्मा को द्रव्य में गिना ही गया है। तो यदि इस अनित्य को हम हर द्रव्य के साथ जोड़ेंगे तो ये तो दोष आ जाएगा, नित्य द्रव्य भी होते हैं। और वैशेषिककार खुद कुछ द्रव्यों को नित्य बोलेंगे, आगे भले ही अपेक्षा से बोल रहे हो उनको नित्य कहेंगे, द्रव्यों को भी नित्य कहेंगे, लेकिन यहां सूत्र में अनित्य शब्द पढ़ा गया है। तो अब इससे हमें ये तात्पर्य समझ में आता है कि अनित्यता द्रव्यों में भी देखी जाती है, अनित्यता गुणों में भी देखी जाती है, और अनित्यता कर्मों में भी देखी जाती है, लेकिन हर द्रव्य में हर गुण में हो ऐसा नहीं समझना यहां का तात्पर्य। इसलिए इन्होंने आगे लिख दिया अन्यत्र नित्य द्रव्य पे, नित्य द्रव्यों को छोड़ करके देखना है ये अनित्यता, नित्य द्रव्यों को छोड़ करके देखना है, उनमें सब में जितने कार्य द्रव्य हैं उसमें अनित्यता दिखाई देगी। तो इन्होंने तो द्रव्य का लिखा, ऐसा ही गुणों में भी समझना चाहिए। नित्य द्रव्य के गुण भी नित्य होते हैं, अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं। जब वो द्रव्य ही अभी बना फिर नष्ट हो जाएगा तो उससे संबंधित गुण है वो भी तो समाप्त हो जाएंगे। एक घड़ा बना, उसका रंग रूप था, घड़ा नष्ट हो गया तो उसका रंग रूप चला गया, अब वो मिट्टी के रूप में आ गया, लेकिन घड़ा का रूप नहीं रहा। तो घट घटे घड़े का रूप कब तक रहेगा? जब तक घड़ा है। इसको कहते हैं यावत द्रव्य भावी, जब तक वो द्रव्य तब तक रहने वाला। तो अनित्य द्रव्यों के गुण भी अनित्य होते हैं। दूध मीठा होता है, कब तक रहेगा मीठा? जब तक दूध रहेगा। अब वो दही जम गया तो भी दूध ही नहीं रहा, अब तो अब खट्टापन आ गया उसमें, अब दूध ही नहीं है तो दूध का मीठापन कहां से आएगा? दूध ही समाप्त हो गया तो दूध का मीठापन कहां रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब तक वो द्रव्य है तभी तक उसके गुण रहते हैं, ये अनित्य चीजों में। लेकिन जो नित्य वस्तुएं हैं उनके धर्म, उनके गुण नित्य होते हैं। जैसे परमात्मा नित्य है तो उसकी चेतनता, तो परमात्मा की चेतनता कब से है? जब से परमात्मा है। कब से है परमात्मा? कब से है? अनादिकाल से है। तो आत्मा की, परमात्मा की चेतनता भी अनादिकाल से है। और कब तक रहेगा परमात्मा? परमात्मा की चेतनता कब तक रहेगी? जब तक परमात्मा रहेगा। और परमात्मा कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो परमात्मा चूंकि अनादि और अनंत है यानी नित्य है, तो उसकी चेतनता भी नित्य ही होगी। तो जो यहां पर अनित्यत्व कहा गया है, अनित्यम, ये द्रव्य में तो अनित्य द्रव्यों में, और गुण में देखेंगे तो अनित्य गुणों में ही ये बात घटेगी अनित्यता, नित्य गुणों में ये साधारण में नहीं घटेगा। लेकिन गुणों में अनित्यता रहती है पूरे समुदाय की दृष्टि से, गुणों में, गुण समुदाय जो है उसमें अनित्यता रहती है, भले ही कुछ में रहती हो सब में नहीं रहती हो। ऐसे ही द्रव्यों में अनित्यता रहती है, भले ही सब द्रव्यों में अनित्यता ना रहती हो लेकिन कार्य द्रव्यों में तो अनित्यता रहती है। और ऐसे ही कर्म में लेंगे, कर्म तो अनित्य ही होते हैं, कर्म तो अनित्य ही होते हैं, होता है और समाप्त हो जाता है उसी क्षण में, अगला अगला नया नया कर्म आता है। नित्य द्रव्यों में जो कर्म रहते हैं, नित्य द्रव्यों में जो कर्म रहते हैं वो बार बार होते हैं। परमात्मा सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को रचने की सामर्थ्य तो उसमें सदा से है, लेकिन जैसे उसने इस सृष्टि को रचा ऐसे पिछली सृष्टियों को भी रचा था, आगे भी रचेगा। इस दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा में सृष्टि की रचना का जो कर्म है, वो जो इस कर्म को करता है वो अनादिकाल से कर रहा है और अनंत काल तक करेगा। लेकिन उसने जब पिछली सृष्टि को रचा था, अभी वो कर्म विद्यमान नहीं है। इस सृष्टि को भी जब रचा था तब वो क्रिया हुई थी, आज वो क्रिया नहीं चल रही है, आज तो पालन की क्रिया चल रही है। और जब अगली सृष्टि बनेगी तब परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना पालन जो भी था वो अब बीत चुका। तो क्रिया नित्य द्रव्य में भी जो होती है
उसकी आवृत्ति होती रहती है, इसलिए भले ही हम उसको नित्य कह दें, नहीं तो क्रिया अनित्य होगी, क्षण स्थायी होती है, वो क्रिया समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया उससे आगे 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 होता चला जाता है। गाड़ी का पहिया घूम रहा है, घूमने की क्रिया चल रही है, मान लीजिए एक घंटा, एक दिन एक घंटा घूम रहा है वो लगातार, एक दृष्टि से तो हम कहेंगे कि घूमने की क्रिया लगातार चल रही है, दूसरे ढंग से देखेंगे तो घूमना का क्रिया कितनी होती है, पूरा घूमना कितना कहलाएगा, एक चक्कर लग गया वो पूरा हो गया, और अगली बार तो दूसरा चक्कर लगेगा, वो पहले वाला चक्कर कहां चला गया, चला गया। और घूमने में भी ऊपर से बगल में गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, ये जो इसको भी टुकड़े टुकड़े कर दो तो वो जितना होता गया वो नष्ट होता जा रहा है, अभी वो बचा हुआ नहीं है, हर क्षण नया कर्म हो रहा है वहां पर। तो कर्म तो स्वभावतः क्षण स्थायी है, वो समाप्त हो जाता है, वो अनित्य ही होता है। इस दृष्टि से द्रव्य कुछ नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं, गुण कुछ नित्य होते हैं, अनित्य होते हैं, और क्रियाएं सारी की सारी अनित्य होती हैं। पर नित्य द्रव्यों में, परमात्मा में, आत्मा में कुछ जिन क्रियाओं को हम समझते हैं उनको हम नित्य भी कह सकते हैं। किस दृष्टि से? क्योंकि बार बार वही वही क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए उसको हम नित्य भी कह सकते हैं, सापेक्ष कथन है। अगर क्रिया विशेष को देखना हो तो उस दृष्टि से तो पीछे जा चुके हैं। घड़ी चल रही है, हम कह रहे हैं कि घड़ी चल रही है लगातार, इतने दिनों से महीनों से घड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो उसकी हर क्रिया होते हुए समाप्त होती जा रही है, नई नई क्रिया हो रही है। तो देखिए अनित्यम में क्या कहा, अनित्यत्वम विनाशित्वम अन्यत्र नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्यों को छोड़ के साथ में मैंने जोड़ दिया अनित्य, नित्य गुणों को छोड़ते हुए ये अनित्यत्व धर्म भी द्रव्य गुण कर्म तीनों में देखा जाता है, ये इनका साधर्म है। आगे देखिए द्रव्यवत, द्रव्य वाला, ये सब द्रव्य वाले होते हैं, द्रव्य गुण और कर्म तीनों द्रव्य वाले होते हैं। और यहां द्रव्यवत का क्या मतलब है, तो उसको भाष्यकार ने खोला द्रव्याश्रयित्वम, ये तीनों द्रव्य में आश्रित रहते हैं, द्रव्य भी द्रव्य में आश्रित रहता है, गुण भी द्रव्य में आश्रित रहता है, और कर्म भी द्रव्य में आश्रित रहता है, ये तीनों की समानता है, साधर्म्य है। द्रव्याश्रयित्वम इसी को आगे इन्होंने खोल दिया, भाई किस द्रव्य में रहना, तो कहा समवायी द्रव्यवत्वम, समवायी द्रव्य वाला होना, समवायी द्रव्य वाला होना, एक समवायी द्रव्य होता है, एक कार्य द्रव्य होता है, एक कारण द्रव्य होता है, एक कार्य द्रव्य होता है। घड़ा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी उसका समवायी कारण है, क्योंकि बनते समय वो घड़े में जा रहा है, विद्यमान है। पीछे जो बात हुई थी, कुम्हार भी घड़े का कारण है, लेकिन कुम्हार घड़े में साथ में नहीं रहता है, और कुम्हार के नष्ट होने पे घड़ा नष्ट नहीं होता है, मिट्टी घड़े में विद्यमान रहती है, मिट्टी को यदि हटा दिया जाए तो घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, कुम्हार को हटा दें तो घड़े का अस्तित्व फिर भी रहता है। तो जो उपादान कारण होता है, जो कार्य द्रव्य में साथ में जाता है, अन्वित होता है, उसको समवायी कारण कहते हैं। तो यहां क्या कहा, कार्य द्रव्यवत का द्रव्याश्रयित्वम समवायी द्रव्यवत्वम, समवायी द्रव्य वाले ये होते हैं। तो घड़ा एक जो कार्य है वो मिट्टी वाला सदा रहेगा, पीतल का घड़ा है तो वो पीतल वाला सदा रहेगा, ये है द्रव्यवत, द्रव्य वाला होना, घड़ा मिट्टी वाला ही रहेगा, मिट्टी का मिट्टी साथ में रहेगी, पीतल साथ में रहेगा, चांदी साथ में रहेगी, जो भी है समवायी द्रव्यत्वम। इसी को आगे खोल दिया स्वकारण द्रव्य अन्वयित्वेन वर्तमानत्वम, अपने कारण द्रव्य में यानी समवायी कारण द्रव्य में अन्वयी के रूप में विद्यमानता वहां पर रहती है, उसके साथ साथ विद्यमान रहता है। अब इसके आगे कहा अन्यत्र नित्य द्रव्येभ्यः, अल्प विराम ले लीजिए, नित्य द्रव्यों को छोड़ करके, क्योंकि नित्य द्रव्य तो बने ही नहीं होते हैं, उनका कोई समवायी कारण ही नहीं होता है। घड़ा बना है, हम कह सकते हैं मिट्टी से बना है, पीतल से बना है, लेकिन परमात्मा बना है किससे, कुछ नहीं कह सकते, वो बना ही नहीं है, नित्य द्रव्य है। आत्मा बनी है किससे, उसका उपादान कारण क्या है, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बनी ही नहीं है। तो यहां जो द्रव्यवत शब्द आया है कि ये द्रव्य वाले होते हैं, तो द्रव्य द्रव्य वाला होता है,
गुण भी द्रव्य वाला होता है और कर्म भी द्रव्य वाला होता है। इसमें से हम अभी बात कर रहे हैं केवल कि द्रव्य द्रव्य वाला होता है अर्थात उपादान कारण वाला होता है, ये नित्य द्रव्यों को छोड़ करके बाकी पे घटेगा, नित्य द्रव्यों पे ये बात नहीं घटेगी, कार्य द्रव्यों पे बात घटेगी। पर जितने भी द्रव्यों पे घट रही है, कार्य द्रव्य भी बहुत सारे हैं, वो द्रव्य वाले होते हैं, संवायी द्रव्य वाले होते हैं। ये तो हुआ द्रव्य का, इसी को खोल रहे हैं आगे, कार्य द्रव्यम स्वकारण द्रव्यम आश्रयति ही, कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में आश्रित होता है, उसका आश्रय करता है। अब आगे कहते हैं तथा गुण कर्मणि तु द्रव्यवर्तिनी भवता एव, अल्प विराम, गुण और कर्म तो द्रव्य में ही रहते हैं, जितने भी गुण हैं वो हमेशा द्रव्य में ही मिलेंगे। इसको भी कहते हैं द्रव्यवत, द्रव्य वाला, द्रव्याश्रयित्वम, द्रव्य के आश्रित रहना, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहेंगे और ऐसा का ऐसा कर्म पे भी लगाएंगे, जितने भी कर्म हैं वो द्रव्य में ही रहेंगे। आप कोई गुण या कोई कर्म सोच के देखिए, जितने गुण इन्होंने बताए वो या और भी कोई गुण, जितने कर्म इन्होंने बताए, पांच प्रकार बताए, सभी कर्म उसमें आ गए, वो द्रव्य के बिना कहीं आपको दिखते हो तो बताइए, द्रव्य के अतिरिक्त इनका कहीं अस्तित्व हो तो बताइए, नहीं मिलेगा कहीं भी। हम गीले किससे होते हैं? पानी से गीले होते हैं। चश्मे के ऊपर बौछारें लग जाती हैं, बूंदें आ जाती हैं पानी से। समुद्र के किनारे हम जा रहे हैं, मान लो बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर समुद्र की बौछारें आती हैं या कहीं भी बहुत उछलती हैं, हम सड़क पे चल के जा रहे हैं, वहां देखेंगे तो चश्मे के ऊपर या अपने शरीर पे वो बूंदे 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 आ जाती हैं, बोले पानी तो नहीं है, कहां से आ गई ये बूंदे, ठंडक कैसे आ गई, बोले पानी तो है, वो वायु के अंदर पानी आ गया, बात तो है, कहीं ना कहीं से तो हमारे को ठंडक आई है। तो जो भी गुण रहेगा, दिखाई दे या ना दे, वो द्रव्याश्रित ही रहेगा। सूर्य से प्रकाश यहां पर आ रहा है, कैसे आ रहा है? प्रकाश रूप, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे उसको? रूप कहेंगे ना, रूप ही तो है, प्रकाश का भी तो रूप ही तो कहलाएगा, नेत्र से ही तो हम जानते हैं प्रकाश को, और कैसे जानते हैं? बल्ब जलता है हम देखते हैं, एक बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो इसको रूप गुण के अंतर्गत लेंगे। सूर्य से यहां पर प्रकाश आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, कोई चीज आती भी दिखाई दे रही है क्या? द्रव्य रूप गुण तो दिखाई दे रहा है हमारे को, लेकिन द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है। हम अग्नि के पास जाते हैं, गर्म होते हैं, ठंड दूर होती है, तो अग्नि एक द्रव्य है, उससे ऊष्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन अग्नि तो वहां पर है, अग्नि तो वहां पर है, दूर है, हमने अग्नि में हाथ नहीं डाला है अभी, हम तो अग्नि के पास में बैठे, लेकिन गर्मी आ रही है। गर्मी क्या है? उष्णता क्या है? स्पर्श गुण है, स्पर्श का ही भाग है ये। वो कैसे आ गया यहां पर? हमें लगेगा नहीं उसका गुण यहां पर आ गया, कैसे आ गया? क्या बिना द्रव्य के आ गया? वहां से यहां गर्मी आई है तो किसी द्रव्य के आश्रित होकर के ही आई है, वैसे आ ही नहीं सकती। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो गर्मी आ रही है, वहां भी द्रव्य रहेगा ही, बिना उसके नहीं आ सकती। कोई भी गुण है वो बिना द्रव्य के नहीं रहता। तो सूर्य से छोटे छोटे कण, वैज्ञानिक भी बोलते हैं, वहां से जो कण आते हैं उसको वो फोटोन कण कहें, जो भी कण कहें, वो कण चल करके आ रहे हैं, उसके बंडल्स आते हैं, समूहन होकर के आते हैं। जहां भी गुण है वहां द्रव्य अवश्य रहेगा, ये निश्चित सिद्धांत है। तो द्रव्य द्रव्य वाला होता है और गुण भी द्रव्यवत होता है और कर्म भी द्रव्यवत होता है, कर्म भी द्रव्यवत होता है, बिना द्रव्य के कोई क्रिया नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों में चर्चा चलती है कि जो हमारा मूल तत्व है वो एक छोटा कण है, पार्टिकल है या वेव है, तरंग है,
वो एक दृष्टि से देखने लगते हैं तो ये तो तरंग मात्र है, एक दृष्टि से देखते हैं तो ये तो कण है। इसलिए वहां पर वो पहले ऐसा चला करता था कि ये नहीं कहे इसको कण कहें, पार्टिकल कहें या वेव कहें, ऐसा ही कहते हैं। अब ये जो वेव है, ये वेव क्या है? वेव मतलब एक लहर है, कहो यूं ऊंची नीची है जो लहर है। तो इसको हम अपने इधर किस में ले सकते हैं? कर्म में लेंगे। भाई आप वेव कह रहे हो, यूं कुछ स्पंदन कह रहे हो, कुछ गति हो रही है तो क्रिया हुई ना। तो बोले कि ये जो मूल उपादान चीज है वो कभी तो कण के रूप में व्यवहार करती है, कभी वेव के रूप में व्यवहार करती है। यानी जिस समय वो वेव बोल रहे होते हैं उस समय कह रहे होते हैं ये कण नहीं है, मूल पदार्थ नहीं है यहां पर, कुछ बस क्रिया क्रिया है, स्पंदन स्पंदन है, केवल ये कहते हैं। लेकिन हम वैशेषिक के आधार पर ये निर्णय कर सकते हैं कि कोई भी क्रिया है वो हमेशा द्रव्यवत होती है, द्रव्याश्रयी होती है। अगर वहां पर क्रिया है तो कोई ना कोई द्रव्य अवश्य है, हमें पता लगे या ना लगे। जिस समय कण कह रहे हैं उस समय क्रिया रही तो वो कण हमारे को द्रव्य दिखाई दे रहा है, जिस समय क्रिया हो रही है वेव है वहां भी कुछ ना कुछ कण होगा। अब आकाशवाणी की, दूरदर्शन की जो किरणें, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ये वेव जो चलती हैं ये क्या है? अब यहां भी कुछ ना कुछ तो द्रव्य हमें मानना ही पड़ेगा, बिना द्रव्य के क्रिया हो ही नहीं सकती है। वहां से यहां कुछ चल करके आ रहा है तो कुछ ना कुछ द्रव्य अवश्य होगा, ये क्या कहलाएगा? द्रव्यवत। द्रव्य भी द्रव्य वाला होता है, गुण भी द्रव्य वाला होता है और क्रिया भी द्रव्य वाली होती है। फूल है दूर, उसकी सुगंध है, सुगंध उस द्रव्य में है, फूल में है, तो सुगंध द्रव्य वाली है, लेकिन हमारे तक सुगंध आ जाती है इतनी दूर से। तो बोले नहीं, फूल तो वहीं रह गया, देखो गुण गुण हमारे पास में आ गया है बिना द्रव्य के। द्रव्य तो फूल वहीं पर ही रह गया ना, वहीं पर ही पड़ा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है, लेकिन सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, पूरे बगीचे में फैल गई। तो सुगंध एक गंध है, एक गुण है, गंध एक गुण है, और वो बिना द्रव्य के भी देखो हमारे पास आ गया, ऐसा हमें प्रतीत हो सकता है, ऐसा सामान्य स्थूल रूप से देखेंगे तो। नहीं तो वास्तविकता क्या है? ये जो गंध आई है ये भी द्रव्याश्रित होकर के ही आई है। अगर हमें गंध आई है तो कोई ना कोई द्रव्य भी यहां पर आया है। फूल से उसके जो सूक्ष्म कण हैं, उड़नशील तेल हैं, तत्व हैं, वो वहां से हवा में होते हुए उड़ते हुए हमारी नासिका तक आते हैं और हमें गंध का बोध होता है। तो गुण जब भी है वहां द्रव्य अवश्य रहेगा, ये निरपवाद है। तो द्रव्यवत यानी ये तीनों द्रव्य गुण कर्म ये द्रव्य वाले ही होते हैं। और द्रव्यों में देखेंगे तो नित्य द्रव्यों को छोड़ करके, क्योंकि नित्य द्रव्यों का कोई उपादान कारण नहीं होता। इस रूप में यहां पर समवायी कारण के रूप में कोई द्रव्य नहीं होता, लेकिन वो अपने आप में तो द्रव्य हैं। आत्मा को भी, परमात्मा, जीवात्मा, किसी को भी ले लो, वो अपने आप में तो द्रव्य हैं, लेकिन वो द्रव्यवत द्रव्य वाले नहीं हैं कि और कोई द्रव्य है जो उनका कारण बन रहा है। जैसे कार्य द्रव्यों की दृष्टि से हम कहते हैं, वैसा नित्य द्रव्यों में नहीं घटाया जाता, उनको छोड़ करके यहां पर लिखा है। तो द्रव्य गुण कर्म ये तीनों द्रव्यवत होते हैं, द्रव्य वाले होते हैं। आगे देखिए, यहां तक हमने देख लिया था गुण कर्मणि तो द्रव्य वर्तनी भवता एवं, इसको इन्होंने खोला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुण और कर्म तो द्रव्य वाले होते ही हैं, उसमें क्या कहना है। आगे इस विषय पर और चर्चा भी आएगी, सूत्र जब गुण और कर्म की परिभाषा लिखेंगे, गुण और कर्म किसे कहते हैं, तो वहां पर भी ये बात आएगी। आगे देखिए, द्रव्यम अंतरेण न तयो स्वरूपोपलब्धि ही, द्रव्य के बिना इनके स्वरूप की, अपने रूप की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है। किन दोनों की? गुण और कर्म की। बिना द्रव्य के कभी भी नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, कार्यम, ये कार्य भी होते हैं, द्रव्य भी कार्य होता है, गुण भी कार्य होता है और कर्म भी कार्य होता है। कार्य का मतलब क्या है? तो इसको इन्होंने खोला कार्यत्वम, कार्यपना। कार्यपना क्या होता है? जो चीज बनती है वो कार्य कहलाती है। मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। ये कार्य का मतलब वो क्रिया वाला कर्म नहीं है जो हम पीछे द्रव्य गुण कर्म में जो हम उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि देख रहे थे, या कार्य का मतलब वो कर्म नहीं है। हिंदी में सामान्यतया हम कर्म शब्द बोलते हैं और कार्य शब्द बोलते हैं, एक ही बात है। वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, अध्ययन कर्म कर रहा है, अध्ययन का कार्य कर रहा है, तो कर्म और कार्य को हम समान रूप से प्रयोग करते हैं लोक में, हिंदी में।
यहां भिन्न अर्थ में देखना है। यहां जब कार्य शब्द बोला जा रहा है तो कार्य शब्द कारण और कार्य से जुड़ करके जो कार्य होता है, जो उत्पन्न होने वाला द्रव्य है, जो उत्पन्न होता है, उसको कार्य शब्द से यहां पर कहा जाता है। तो ये जो यहां साधर्म में कहा जा रहा है कार्यम, इसका मतलब है कि वो उत्पन्न होते हैं, द्रव्य भी उत्पन्न होता है, गुण भी उत्पन्न होते हैं और कर्म भी उत्पन्न होते हैं। कार्यम कार्यत्वम, कार्य द्रव्य ही, कार्य द्रव्य में ही होता है ये कार्यत्व, कारण द्रव्य में नहीं होता है। जो नित्य द्रव्य हैं वहां ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा कार्य नहीं है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, जीवात्मा कार्य नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं होता, मूल प्रकृति के सत्वर स्तंभ भी कार्य नहीं है, क्योंकि किसी से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इनका कोई उपादान कारण नहीं होता, इसलिए ये कार्य हो ही नहीं सकते, ये केवल कारण है। और आगे की चीजें कार्य भी होती हैं, कारण भी होती हैं, अलग अलग होते हैं। तो कार्यम, आगे कहा कार्य गुणम, कार्य द्रव्यम, कार्य गुण, कार्य कर्म, द्रव्य भी कार्य होता है, गुण भी कार्य होता है और कर्म भी कार्य होता है। इन सब में ये साधर्म्य है कि ये कार्य होते हैं, कार्य ये साधर्म्य बताया गया। तो बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिस द्रव्य के गुण होते हैं, जब वो द्रव्य बनता है तो उसमें वो गुण आ जाते हैं। जैसे कि कपड़ा, कपड़ा हमने अलग अलग तरह से बनाया, अलग अलग रंग के धागे लेके, तो उसमें कुछ चित्र बन जाते हैं, डिजाइन बन जाता है। वो डिजाइन एक रूप गुण था, वो कब उत्पन्न हुआ, जब वो कपड़ा बना, और कब तक रहेगा, जब तक वो कपड़ा रहेगा। तो कपड़े का जो रूप गुण आया ये कार्य गुण है, क्योंकि उत्पन्न हुआ था, पहले नहीं था। इसी तरह बाकी गुणों में भी लगेगा, नित्य नित्य गुणों को छोड़ करके। अनित्य द्रव्य, कार्य द्रव्य के गुण हैं वो अनित्य होंगे, वहां पर ये बात लागू होगी कि वो कार्य होते हैं। और कर्म जो क्रिया होती है वो तो कार्य होता ही है, क्रिया तो कार्य होता ही है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है, पहले नहीं था। कार्य का मतलब यही है, जो उत्पन्न होता है और जो फिर जो नष्ट हो जाता है उसको कार्य कहते हैं। तो द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, गुण भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और कर्म भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ये द्रव्य गुण कर्म में साधर्म्य है, कार्यत्व का साधर्म्य, समानता है। आगे देखिए कारणम, कारणम का मतलब खोल दिया इन्होंने, कारणवत्वम। जैसे कार्यम का खोला था कार्यत्वम, ऐसे ही कारणम का बोला है कारणत्वम, कारणपना। ये कारण भी बनते हैं, द्रव्य भी कारण बनता है, गुण भी कारण बनता है और कर्म भी कारण बनते हैं। खोल रहे हैं आगे, कार्य द्रव्य से द्रव्यम कारणम, जो कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसका कारण द्रव्य होता है। जैसे कार्य द्रव्य है घड़ा, तो उसका कारण जो मिट्टी है वो भी तो द्रव्य है, तो द्रव्य कारण भी बनता है। पीछे कहा था द्रव्य कार्य बनता है जैसे कि घड़ा, अब कहा जा रहा है कि द्रव्य कारण भी बनता है जैसे कि मिट्टी। दही का उपादान कारण दूध, दूध भी द्रव्य है। टेबल कुर्सी का उपादान कारण लकड़ी है, लकड़ी भी द्रव्य है, तो द्रव्य कारण बनता है। इसी तरह कहा गुणश्च कारणम, गुणांतरस्य, एक गुण दूसरे गुण का कारण बनता है, एक गुण दूसरे गुण का कारण बनता है, कोई नया गुण उत्पन्न हो गया। धागों का अपना रूप गुण है, मिट्टी के कणों का अपना रूप गुण है, तो धागे के रूप ने कपड़े का रूप उत्पन्न कर दिया, मिट्टी के रूप ने घड़े का रूप उत्पन्न कर दिया। तो मिट्टी के कणों में जो रूप था वो कारण गुण कहलाएगा, कारण गुण, और घड़े का जो गुण है रूप गुण वो कार्य गुण कहलाएगा। तो गुण कारण भी बनता है, गुण कारण भी बनता है। हलवा मीठा बना क्यों, क्योंकि उसमें मीठा डाला गया था। अनेक चीजें में इसमें भी एक स्वाद है, आटे का भी स्वाद है, घी का भी स्वाद है और चीनी का भी स्वाद है, रस है। अब उससे हलवा बन गया है, अब उसका एक और स्वाद आ रहा है, तीनों से अलग। हलवे का स्वाद, हलवे का रस जो बना है ये कार्य गुण है, और इस कार्य गुण का कारण कौन है, चीनी, आटा, घी या और जो भी हम डालते हैं, उनका जो रस गुण है वो इसका कारण बनता है।
तो गुण कारण भी होता है कार्य भी होता है। यहां अभी बात चल रही है कारण की, तो द्रव्य भी कारण होता है और गुण भी कारण होता है। गुणस्य कारणम गुणांतरस्य, दूसरे गुण का कारण बनता है। और कर्मापि कारणम, कर्म भी कारण होता है। कर्म किसका कारण होता है तो उसको खोल रहे हैं, भवति ही संयोग विभाग वेगानाम। कर्म किसका कारण बनता है? संयोग विभाग और वेग का, संयोग विभाग और वेग का। वेग मतलब वेग नाम का संस्कार। हम सामान्य रूप से जो देखते हैं, गुण से गुण उत्पन्न होते हैं हमें समझ में आता है, द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है हमें समझ में आता है, लेकिन कर्म से कर्म उत्पन्न होता है ये हमें दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। मान लो एक डब्बा पीछे से आया गति करते करते और उसने दूसरे डब्बे को धक्का लगाया, कंची खेल रहे हैं, एक कंची ने दूसरे को, एक गेंद ने दूसरी गेंद को यूं टक्कर मारी, बिलियर्ड वगैरह में खेलते हैं कहीं भी है, कैरम बोर्ड खेलते हैं, इसको स्ट्राइकर को चलाया गोटी के लगा, इसके लगने से उसमें भी क्रिया उत्पन्न हो गई, तो क्रिया से क्रिया उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे गुण से गुण उत्पन्न होते हैं, द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, ऐसे कर्म से कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा हमारे मन में एक समझ बैठती है। लेकिन यहां इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कर्म से कर्म उत्पन्न होते हैं, इन्होंने क्या लिखा? कर्म से संयोग विभाग और वेग उत्पन्न होते हैं। संयोग से, कर्म से संयोग विभाग और वेग उत्पन्न होते हैं, कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता, ये आगे सिद्धांत बताया जाएगा। एक गेंद को दूसरी गेंद के मारा तो दूसरी गेंद आगे चली गई, पंछी आगे चली गई, तो ये कहते हैं कि कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हुआ। कहते हैं पिछले वाली गेंद ने या कंची ने दूसरी गेंद को पहले तो स्पर्श किया, संयोग किया, अभी तक वो चली नहीं है दूसरी, इसको स्पर्श किया, तो कर्म ने केवल संयोग को उत्पन्न किया है, और उस कर्म ने वो जो गेंद पिछली चली आ रही थी उसमें वेग नाम का जो संस्कार था वो उसने दूसरी गेंद में दे दिया है, वेग नाम के संस्कार को उत्पन्न किया है, और उस वेग नाम के संस्कार से अगली गेंद फिर चलने लगी है, फिर कर्म आया है उसमें। बीच की प्रक्रिया क्या हुई? पहले वाली गेंद ने दूसरी वाली गेंद को पहले स्पर्श किया, फिर उसका वेग संस्कार इससे उसमें गया और फिर वो चल करके गई है। तो कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हुआ है। स्थूल रूप से हम कहते हैं कि कर्म से कर्म उत्पन्न हो जाता है। हम हाथ से चला रहे हैं चारा काटने की मशीन को तो वो चलने लग जाती है, बोले देखो हम हाथ में कर्म कर रहे हैं तो उसमें भी कर्म आ रहा है, हम ये जो लेखनी कर रहे हैं हम हाथ में कर्म कर रहे हैं तो इसमें भी कर रहे हैं। कर्म से कर्म उत्पन्न होता हुआ हमें प्रतीत होगा, करेंगे, लेकिन वैशेषिक दर्शनकार यहां पर ये व्याख्या करते हैं, आगे सारा विषय और आएगा कि कर्म से कर्म नहीं, कर्म से हाथ में जो वेग था वो इस वस्तु में गया और इसके कारण यहां पर कर्म उत्पन्न हुआ है। तो कर्म से संयोग उत्पन्न होता है और वेग भी उत्पन्न होता है, कर्म से वेग उत्पन्न हो जाता है, एक कर्म आके लगा वेग उत्पन्न हुआ। दूसरा विभाग भी होता है कि एक कर्म है, कोई वस्तु यहां है, अब मैं यहां से हाथ उठा करके यहां ले जाता हूं, तो जहां इस कर्म के द्वारा आगे आगे संयोग होता जा रहा है ऐसे ही पीछे से वियोग भी तो हो गया है। इस वियोग का कारण क्या है? दो हाथ थे, तालियां थी, हम ताली बजा रहे हैं, ये यहां से इधर हुआ, तो इस वियोग का कारण भी कर्म है और एक कर्म से ये जुड़ा संयोग का भी कारण है। तो इसलिए कहा कर्म क्या है? कर्मापि कारणम भवति संयोग विभाग वेगा नाम। तो यहां तक हमने कुछ गुण देख लिए, सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम, दो बचे हैं सामान्य विशेषवदिति, उसको अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।